थैंक यू सर। सर मैं आपको शुरुआत शुरुआत में भी ये बताना चाह रहा हूं कि जब आप वॉइस आउट लेंगे मैं आपके अटेंशन चाहूंगा। रूल 367 सबसेक्शन 2 में मैं डिवीजन पूछने वाला हूं सर। अब मेरा इस पर ऑब्जेक्शन क्या बता रहा हूं सर, आर्टिकल 14 और 15 का वॉयलेशन है और संविधान में इस बात की इजाजत है कि अगर आप डिस्क्रिमिनेटरी लॉ बनाना चाहते हैं तो आपको दो टेस्ट सेटिस्फाई करना पड़ेगा, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और दूसरा रीजनेबल आपका क्लासिफिकेशन रैशनल नेक्सस। सर यहां पर आप देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ट्रिपल तलाक अब वॉइड है, यानी शादी खत्म नहीं होती है। जब शादी खत्म नहीं होती है और हमने कानून बनाया है, क्या है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 498 आईपीसी, 125 सीआरपीसी और मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सो बिकॉज ऑफ दिस योर बिल, प्रपोर्टेड बिल डज नॉट सेटिस्फाइज इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। सेकेंडली व्हाई आई से डज नॉट रैशनल नेक्सस, बिकॉज द सेम थिंग यू, सो दिस क्लासिफिकेशन इज नॉट इन एनी वे रीजनेबली लिंक टू द प्रपोर्टेड ऑब्जेक्ट ऑफ द बिल। थर्ड पॉइंट सर कंप्लीट कर, थर्ड पॉइंट सर, बिकॉज पनिशमेंट सर, अगर कोई नॉन मुस्लिम हस्बैंड को कोई केस में डाला जाएगा उसको 1 साल की सजा और मुसलमान को 3 साल की सजा, क्या ये आर्टिकल 14 और 15 का वायलेशन नहीं है सर? 14 और 15 का वायलेशन नहीं है। लास्टली सर, लास्टली सर, सर व्हाई दिस बिल इज गोइंग अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, मैं खत्म कर रहा हूं सर। सर देखिए आप महिलाओं के हित में नहीं है, आप बर्डन ऑफ प्रूफ महिला पर डाल रहे हैं, 3 साल जेल में रहेगा, मेंटेनेंस कौन देगी? आप देंगे मेंटेनेंस। और आखिर में सर, सर सर आखिरी में मैं आपके जरिए सरकार से पूछना चाह रहा हूं, आपको मुस्लिम महिलाओं से इतनी मोहब्बत है, केरला के हिंदू महिलाओं से क्यों मोहब्बत नहीं है? क्यों साबरीमाला के खिलाफ आप हैं? क्यों जजमेंट के खिलाफ आप हैं? बताइए आप बताइए आप क्या ये गलत हो रहा है सर? सर जैसा मैंने बताया पिछले लोकसभा में दिसंबर में हमने इस बिल को पारित किया था, उसके पहले ही पारित किया था, फिर बदलाव किया था, सुझाव के लिए सुधार के लिए बदलाव किया था और ये बिल राज्यसभा में पेंडिंग था, लेकिन चूंकि लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो गया, नई लोकसभा आई, इसलिए संविधान की प्रक्रियाओं के अनुसार इस बिल को हम दोबारा लेकर के आए हैं। सर एक बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा, मैं सबों की तकरीर सुन रहा था, हम संसद हैं, हमारा काम कानून बनाना है और जनता ने हमें कानून बनाने के लिए चुना है। कानून पर बहस इंटरप्रिटेशन अदालत में होती है, लोकसभा को अदालत न बनाए, अपने सॉवरेन पावर का इस्तेमाल करें, यह बात मैं पहले कहना चाहता हूं। सर सायरा बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 तलाक का मामला आर्बिट्ररी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एक बेंच ने कहा इट इज फुल ऑफ सिन, ये भी जजमेंट में कहा गया है। और उसके बाद सर उन्होंने ये भी, मान्य सदस्य में नाम से पुकारना पड़ेगा आप आपस में, मान्य सदस्य आप आपस में बात करेंगे नाम से पुकारना पड़ेगा, फिर सर चर्चा मत करें आप। सर इट इज अगेंस्ट, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं तो आप आपस में चर्चा, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी सर। हाँ सत्ता पक्ष हो चाहे प्रतिपक्ष हो सब निकाह मेरे लिए एक है सर, मैं अलग नहीं है, कोई वह चर्चा करेंगे तो उनको टोकूंगा। सर हमारा कहना बार बार है और जब ये बहस होगी विस्तार से कहूंगा, ये सवाल राहुल जी बैठिए, ये सवाल न सियासत का है, न इबादत का है, न पूजा का है, न धर्म का है, न प्रार्थना का है, ये सवाल है नारी न्याय, नारी गरिमा, नारी इंसाफ। और आज हमको अपने अंदर ये सवाल पूछना पड़ेगा कि आजादी के 70 साल बाद जब भारत का संविधान है तो क्या मतलब है कि खवातीन कोई हो, बहन कोई हो, कहा तलाक तलाक तलाक, तुम घर से बाहर, तुम्हारी कोई गुजारिश नहीं। और सर एक बात बार बार कही गई सर, भारत के संविधान की बात कही गई, मैं जवाब दे रहा हूं सर, भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 15 नॉन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन है और मैं उसका 15(3) पढ़ रहा हूं, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन। ये भारत के फंडामेंटल राइट में कहा हुआ। और जहां तक कंकरेंटिस की बात है तो डाइवोर्स का विषय आता है। अब सर मैं आपको एक बात बार बार कहे कि जब वॉइड हो गया तो आप क्यों कर रहे हैं, तो सर हम एक बात खाली आपको बता, शशि थरूर जी ठीक
अधीरंजन जी, सर तुम्हें बता रहा था कि आज भारत का संविधान है, 70 साल बाद क्या संसद को यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर 3 तलाक की पीड़ित महिलाएं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी न्याय की गुहार कर रही हैं, वी शुड नॉट गिव जस्टिस टू देम, द लॉ इज टू गिव जस्टिस टू देम। और मैं क्यों कह रहा हूं कि सर हमारे पास कोई डिटेल्स, सर मैं एक बात और कहूं, सर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सर जो हम लोगों ने विभिन्न स्रोत से मालूम किया है, डिटेल्स नहीं है सर, और I am replying, please. आपका सदस्य जवाब दे रहे हैं सर, फाइव सर जस्ट मान्य मंत्री महोदय के अलावा कोई रिकॉर्ड मिल जाएगा सर, सर 543 केसेज ऑफ ट्रिपल तलाक हैज कम फ्रॉम 2017 इन विच मोर देन 229 इज आफ्टर द जजमेंट। तो क्या करें, ये महिलाएं जजमेंट को अपने घर में टांग लें, इसीलिए डिटरेंस जरूरी है। और मेरे पास दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला है जिसने ऑर्डिनेंस को अपहोल्ड किया है, और ऑर्डिनेंस के बाद 31 केसेस आए हैं। इसलिए सर ये इंसाफ का मामला है, इंसानियत का मामला है, इस मुल्क की महिलाओं के लिए इज्जत आबरू का मामला है, इसीलिए हमारी सरकार खड़ी है सर, और इस पर हमारी प्रतिबद्धता है सर। हमको लगता था कि चुनाव में हारने के बाद वो इस बात को समझेंगे कि अब थोड़ा सोचने की जरूरत है। मैं इस बिल को इंट्रोड्यूस करता हूं सर, और सदन से आग्रह करूंगा इसको पास करें। प्रश्न है कि हाथ आप, प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए।